Hello students, today in this video I am going to teach you class 9th chapter 1st and our topic is surds and indices. So सबसे पहले हम समझेंगे what are surds. इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 एंड एक और नंबर है स्क्वायर रूट 4. So square root 2 cannot be simplified, square root 3 cannot be simplified, but square root 4 can be simplified. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, cube root 7 and cube root 27. तो यहां हम देखते हैं, this cannot be simplified, this one cannot be simplified, but this can be simplified as 3. So these numbers which cannot be simplified, and these are coming in the roots, this is the square root, this is the cube root, so such type of numbers are known as surds. और जिन नंबर को आप सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हो वो surds नहीं होती है. Hence जो नंबर इस फॉर्म में होंगे और ये नंबर्स सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, सो इस टाइप के फॉर्म के नंबर को हम लोग बोलेंगे सर्ड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिसेस. इंडिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड इंडेक्स. इंडिसेस इंडेक्स वर्ड का प्लूरल फॉर्म होता है. और मैंने लिखा है कोई नंबर 5 की पावर 3, सो दिस 3 इज नोन एज इंडेक्स, मींस पावर. तो इंडेक्स को हम लोग पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड सर्ड्स एंड इंडिसेस वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 32 का फिफ्थ रूट एंड द होल पावर इज 4. मीन्स ऐसे हम ले सकते हैं 32 की पावर 1/5. फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/5 एंड द होल पावर इज 4. नाउ इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 32 के अगर फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 2 की पावर 5, इसकी पावर आ रही है 1/5 एंड द होल पावर इज 4. मींस अगर इस तरह से पावर होती है 2 की पावर 5, उसके ऊपर पावर 1/5, उसके ऊपर पावर 4, तो रूल के अकॉर्डिंग सारी पावर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 1/5 × 4, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4. मींस यहां बनेगा आपका 16. दिस इज योर आंसर. Now our next question is 125/343 की होल पावर -2/3. See यहां पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 343/125/2/3. मीन्स पावर नेगेटिव होती है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं. Now 343 ये होती है 7 की पावर 3, 125 ये होता है 5 की पावर 3, then the whole power 2/3. इसे हम ले सकते हैं 7/5 की whole power 3 और यहां जो पावर आ रही है पावर वो आ रही 2/3. अब जब पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा 7/5 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 49/25. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 625/3/4 मल्टीप्लाई बाई 27/2/3 डिवाइडेड बाई 64/1/2 विच इज मल्टीप्लाई बाई 64/2/3. सी 625 की पावर 3/4 है,
तो इसके अगर फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये बनेगा 5 की पावर 4 एंड द होल पावर इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय 27 मीन्स इसका फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगा होल पावर 2/3 64 की पावर 1/2 इसकी अगर फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 6 एंड द होल पावर इज 1/2 ये बनेगा 2 की पावर 6 होल पावर 2/3 तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो वो बनेगा 5 की पावर 3। यहां बनेगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो 5 की पावर 3 125, 2, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 1125/128। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243/32 की पावर -3/5 मल्टीप्लाई बाई 625/81 की पावर -3/4 डिवाइडेड बाई 24/4 की पावर -3/2 मीन्स यहाँ पावर नेगेटिव आ रही है तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं तो ये बन जाएगा 32/243 की पावर 3/5 मीन्स पावर नेगेटिव होती है तो नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पावर नेगेटिव आ रही है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 81/625 की होल पावर 3/4 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 25/4 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/25 की पावर 3/2। नाउ ये बन जाएगा 2 की पावर 5 और ये होता है 3 की पावर 5 एंड द होल पावर इज 3/5 मल्टीप्लाई बाई 81 होता है 3 की पावर 4 ये बन जाएगा 625 ये बन जाएगा 5 की पावर 4 एंड द होल पावर इज 3/4 डिवाइडेड। तो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 25/4 मीन्स 5 की पावर 2 25 को 5 की 2 ले सकते हैं और इसे ले सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 3/2 ये बन जाएगा 2/3 पावर सेम आ रही है बेस डिफरेंट है 2/3 की पावर 5 और होल पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा 3/5 की पावर 4 होल पावर 3/4 है तो ये बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 की पावर 2 एंड द मल्टीप्लाई बाई 3/2 2 से 2 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल तो यहां बन जाएगा 8/27 मल्टीप्लाई बाई 27/125 मल्टीप्लाई बाई 125/8 सारी पावर खोल दी 27 27 कैंसिल 125 125 कैंसिल 8 से 8 कैंसिल द आंसर इज 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर 7x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4x एंड 5th root of 3 की पावर 15। तो यहां पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ट्राई करेंगे कि LHS और RHS दोनों तरफ बेस इक्वल हो जाए तो यहां पर बेस इक्वल आ रहे हैं तो डिवाइड में पावर हो जाती है माइनस तो ये बन जाएगा 3 की पावर 7x - 4x ये बन जाएगा 3 की पावर 15 एंड द होल पावर इसका मतलब होता है पावर होगी 1/5
तो यहां बन जाएगा 3 की पावर 3x, 5 से पावर कट जाएंगे 3 टाइम्स, 3 की पावर 3। तो मींस जब LHS और RHS दोनों में बेसिक को डाले होते हैं तो हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहां बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/3 मींस 1। इनवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है 7/11 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाई 11/7 की पावर 3x इज इक्वल टू 343/1331। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, LHS और RHS दोनों साइड के बेस को इक्वल करेंगे। तो यहां पर जो आ रहा है 7/7 की पावर 4x, तो यहां वाला है 7/3x। तो यहां देखा जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां वाला डिवाइड हो रहा है, यहां वाला 11 की पावर 3x, यहां बनता है 11 की पावर 4x, तो यहां भी डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7/4x - 3x। जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। यहाँ 11/3x आ रहा है, 11/3x, इसको डिवाइड करेंगे 11/4x से तो पावर हो जाएगी माइनस, माइनस 4x इक्वल हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 7/3, इसके फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 11/3। यहाँ आएगा 7/x मल्टीप्लाई बाई 11/-x, क्योंकि माइनस का नंबर नंबर बड़ा है, ये हो जाएगा 7/11 की होल पावर 3। तो इसे हम ले सकते हैं 7/, ये पावर नेगेटिव आ रही है नीचे आ जाएगी, दोनों पावर x हो जाएगी तो कॉमन पावर हो जाएगी x, तो ये बन जाएगा 7/11 की पावर 3। बेस से आ रहा है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू 3।